मंथली का जो जुलाई मंथ होता है उसका लास्ट मंडे का हमने प्रोग्राम हर मंडे को रखा जाता है, जो जितना जो क्लास हो पाता है उसका पूछताछ के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने यह कार्यक्रम चलाया। इस ग्लोरियस कोचिंग सेंटर पालीगंज में यह व्यवस्था पहली बार लाई गई है और यह व्यवस्था बच्चों को उत्साहित होने का कार्य करेगा। आज जो क्विज कराई गई थी और एक प्राइज हमारा रखा गया था जो ग्लोब के रूप में हम बच्चों को देने का प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, जो हमने दो ग्रुपों में बांटकर किया और वह दोनों ग्रुप में ए और बी में जो दो ग्रुप था वह बी ग्रुप का टॉपर हुए। उस टॉपर में आज ये अपने एक मुकाम हासिल किए हैं जिनका नाम धीरज कुमार है। मैं धीरज कुमार से पूछना चाहता हूं, अरे आपका घर कहाँ हुआ? हाँ पूरा सपोर्ट में बोलना है बाबू। कहाँ घर हुआ आपका? हसनपुर। यहाँ से हसनपुर तो कहाँ पड़ता है? अरवल तरफ हैदराबाद। यहाँ नानी घर कहाँ? दरियापुर में आप रहते हैं। आप यहाँ कब से ज्वाइन किए हैं? यहाँ मतलब इस कोचिंग में, ग्लोरियस कोचिंग सेंटर में कब से ज्वाइन किया? एक महीना से। क्या आपने कोचिंग ज्वाइन किए, क्या कुछ अलग फीलिंग हुआ है यहाँ ज्वाइन करने से? आपने बताते चलेंगे फीलिंग हुआ या नहीं। यदि हो चुका है तो बताइए। आपके बच्चों को आपको बताना होगा कि किस माध्यम से अपने बच्चों को हमने किस तरीका से आप पढ़ते थे ताकि आप इस मंजिल इस मुकाम तक हासिल कर पाए हैं और आप अपने तरीके से बच्चों को साहस बढ़ाएंगे, बताइए। ऐसे तो हम 15-20 घंटा नहीं पढ़ते, सिर्फ 5-6 घंटा और 2 घंटा क्लास, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटा क्लास पढ़ते हैं। अब ये 10 घंटा कब है लिमिट नहीं हुआ, यहाँ से शुरू से बैठे हैं 10 घंटा उड़ना है, जब मन किया तब पढ़। अच्छा, जब मन किया तब पढ़े आप। चलिए, बच्चा को पढ़ने का अच्छा तरीका अलग अलग तरीका होता है। क्या सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, क्या या सब सब्जेक्ट लेकर क्या बैठ जाते हैं? मैथ, रीजनिंग और तो कुछ तो बांटे होंगे या फिर सारा चीज ही एक बार पढ़ लिया जाता है? 2 घंटा लिमिट होती है, 2 घंटा यानी सिलेबस वाइज लिमिट होती है कि आप इतना देर में अपने पूरा कर लेंगे। तो हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो पढ़ने का रूल है यानी सब्जेक्ट बाई इनका का नाम है कि मतलब सब्जेक्ट बाई जो हो गया, जो लिमिट हो गया, चले भाई 2 घंटा जो सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट पूरा पढ़कर कंप्लीट कर लेना है। और इतना ही, अगले बार देख, इस बार जो मंजिल जब पाए हैं आप लोग का भी मुकाम हासिल करना है तो कुछ ना कुछ तो अलग तरीका तकनीक अपनाना पड़ेगा और ये तकनीक के माध्यम से हमें विश्वास होता है कि आप लोग मंजिल तो पाना ही है, साथ साथ आपके अंदर का कुट-कुट का जो नॉलेज होता है ना, वो कुट-कुट का नॉलेज भर जाएगा और वह कुट-कुट का नॉलेज भरने के कारण आप समझिए कि अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। याद कीजिएगा, जिस तरह से क्लास है उस तरह से क्लास का जो फायदा उठाते हैं आप लोग, जिनके अंदर पेशेंस है वो मेरे पास रह पाएंगे। हम जानते हैं कि बाबू बच्चा कहीं ना कहीं जाकर के वर्जेस्ट है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बाबू आज लास्ट में, उसके बाद चलिए इन लोग को प्राइज दे देते हैं। उसके बाद में जो फर्स्ट प्राइज के रूप में जो ग्लोब का जो शुरुआत रखी गई थी इनका आज प्रोत्साहित करते हैं। इनके लिए बाबू थोड़ा सा ताली भी लगा दिया कीजिए।